हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कलिजन थियरी। दो टॉपिक डिस्कस करने होंगे, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, जल्दी से निपटाएंगे इसको। सबसे पहले देखो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। हमें पता है कि कैटालिस्ट को डालने के बाद रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, टाइम है वो कम लगेगा, है ना। तो देखो कैटालिस्ट अगर आप कोई भी डालोगे तो रिएक्शन की स्पीड को वो इंक्रीज़ करता है। ऐसा नहीं है कि इंक्रीज करेगा, कभी कभार डिक्रीज़ भी कर सकता है। तो मेरे पास दो टाइप के कैटालिस्ट होंगे, पॉजिटिव कैटालिस्ट और दूसरा होगा नेगेटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव क्या करेगा, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करेगा। नेगेटिव क्या करेगा, रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज़ करेगा। अब कैसे ये करता है वो हम समझेंगे। सबसे पहले मेरे पास है पॉजिटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट के लिए समझो, आपके पास ये इंक्रीज़ करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, पहली बात। दूसरा, इज नॉट कंज्यूम्ड बाय द रिएक्शन, वो रिएक्शन में यूज़ नहीं हो रहा है। थर्ड पॉइंट, डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, मतलब पहले जितना प्रोडक्ट मिलेगा उतना ही मिलेगा। तो देखो रिएक्शन में कैटालिस्ट के बिना 10 मिनट लग रहा था, कैटालिस्ट के साथ वो 5 मिनट में रिएक्शन हो जाएगी। अ कैटालिस्ट शॉर्टन्स द टाइम्स रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम बट डज नॉट अफेक्ट द फाइनल पोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, मतलब प्रोडक्ट हमें सेम ही मिलेगा, जितना पहले मिल रहा था उतना ही। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ कैटालिस्ट कैन कैटालाइज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ रिएक्टेंट सिंस इट इज़ नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, मतलब क्या है, छोटा सा अमाउंट होगा कैटालिस्ट का आपका तो भी काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखो, मुझे यहाँ पर रिडक्शन करना था, इथिन था उसमें से इथेन बनाना है निकल और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में। तो ये पूरी प्रोसेस हो कैसे रही है वो हम समझेंगे, हमें पूरी प्रोसेस कैसे हो रही है वो समझना है। निकल यहाँ पे काम करेगा कैटालिस्ट का। अब देखो जब भी रिएक्शन होगी कैटालिस्ट के साथ और कैटालिस्ट के बिना, तब दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग होगी। आप देख रहे हो दो अलग अलग कर्व मिल रहे हैं। कैटालिस्ट के साथ उसका जो ग्राफ होगा वो नीचे से जाएगा, जो ब्लू लाइन से दिखाया हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कैटालिस्ट इंक्रीज कलिजन रेट ऑफ रिएक्टेंट्स टू क्रिएट इनफ एनर्जी टू ओवरकम द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। इन शॉर्ट वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। कैटालिस्ट के साथ मेरे पास जो ग्राफ होगा वो थोड़ा सा नीचे होकर के जाएगा। ओके, बात आएगी विथ कैटालिस्ट की, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, कैटालिस्ट के साथ रेट है वो मेरा इंक्रीज होगा। निकल मेरे पास जो है उसको मैं अगर यूज़ करूँगा तो मेरे पास हाइड्रोजन आएगा, पहले वो निकल से बाउंड होगा। निकल से बाउंड होते ही वहाँ पे मेरे पास वैकेंट स्पेस जनरेट होगी हाइड्रोजन के ऊपर। अब ये जो फ्री स्टेट में मेरे पास हाइड्रोजन होगा वो इजी वे में रिएक्ट करेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। यहाँ पे पहले क्या होगा, हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे। हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक होने के बाद उसने निकल से बना लिया। अब यही हाइड्रोजन है वो मेरे पास कार्बन स्केलेटन से जुड़ेंगे, दोनों ही कार्बन स्केलेटन से जुड़ेंगे और वहाँ पे फिर रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो क्या होगा, हाईली एनर्जेटिक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है। कैटलिस्ट क्या करेगा, मॉलिक्यूल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और फिर वो कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो करके रिडक्शन मेरा कंप्लीट होगा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी एनर्जी पहले वाले कॉम्प्लेक्स से कम होगी। रिपीट कर रहा हूँ समझना, अभी ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है उसकी एनर्जी पहले वाले कॉम्प्लेक्स के एनर्जी से कम होगा, तो इसी के चलते रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो लास्ट, कलिजन थियरी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये मेरे पास लास्ट थियरी है, इसके बाद मेरा चैप्टर ख़त्म हो रहा है। थियरी क्या समझा रही है, ये हमारे पास मार्क्स ट्राउट्स ने दी थी 1916 में, विलियम लुइस ने इसके बारे में बताया 1980 में। ये दोनों भाई साहब हमको क्या समझा रहे हैं, एक्चुअल में रिएक्शन प्रोसीड कैसे कर रही है, वर्क कैसे करेगा वो हमको समझाया। उन्होंने क्या बोला, जब भी रिएक्शन होगी तब पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे, जब भी ये पार्टिकल आपस में टकराएंगे तब हमारे पास प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। जैसे ही पार्टिकल्स टकरा रहे हैं ए और बी, तो हमारे पास प्रॉपर वे में टकराएंगे तो प्रोडक्ट बन पाएगी। पहले केस में प्रोडक्ट क्यों नहीं बनी, क्योंकि वो इनएफेक्टिव कलेक्शन था। अगर वो प्रॉपर वे में टकराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगी, ये ग्रीन ग्रीन मॉलिक्यूल्स हैं वो मेरे पास प्रोडक्ट के हैं, तो प्रोडक्ट बनने के लिए उनका टकराना ज़रूरी है। अब समझना बात को, जैसे जैसे ये कोलाइड करेंगे टकराएंगे तब प्रोडक्ट बन रही है। अब प्रॉपर वे का मतलब क्या है, देखो इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्साइड से हम करवाते हैं, तब क्या होता है समझिए, अगर हाइड्रोक्सिल आयन है वो ब्रोमीन की साइड से आएगा तो प्रोडक्ट नहीं बन रही है, बट
अगर वो अपोजिट साइड से आएगा तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा प्रॉपर ओरिएंटेशन से और मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्रोमीन और हाइड्रोक्सिल के बीच में रिपल्सन हो रहा था। तो वैसे ही अगर हम रेट कॉन्स्टेंट को दिखाएं, रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट दिखाना हो, तो हम एक नया इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, के इज इक्वल टू जेड ए बी इन टू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब यहाँ पे ये भाई साहब कौन है? जो हमारे पास जेड ए बी लिखा हुआ है वो क्या है? कलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी, मतलब यूनिट टाइम के अंदर उसके अंदर कितना कलिजन हो रहा है। और जो ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी था वो मेरे पास होगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर देन ई ए, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो प्रोडक्ट में बनने की टेंडेंसी रखते हैं। यहाँ पे हम जेड ए बी को भी मल्टीप्लाई करेंगे। इवन तो हम यहाँ पे और एक फैक्टर लेकर के आ सकते हैं ओरिएंटेशन के रिलेटेड। जेड ए बी क्या है? कितने कलिजन हो रहे हैं वो। अब स्टेरिक फैक्टर को सामने रखते जाओ आप, तो आपको एक पी फैक्टर भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये पी फैक्टर क्या है? मेरे पास प्रॉपर ओरिएंटेशन दिखा रहा है, या आप बता दो प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है। प्रॉपर वे में कलिजन होने की प्रोबेबिलिटी दिखाएगा हमारे पास पी फैक्टर जो है वो। ओके, अगर इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो फाइनल इक्वेशन क्या बना? के इज इक्वल टू पी इंटू जेड ए बी इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो इससे मैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन फाइंड कर सकता हूँ, और इससे अब जो इफेक्टिव और इनफेक्टिव कलिजन के बारे में भी हमको समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव कलिजन हो रहा है वो हमें पी से डिनोट करना होगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट अ कलिजन थियरी एंड इट इज़ ऑल अबाउट अ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे मेरे पास जो चैप्टर पूरा है वो कंप्लीट हो रहा है, आपको समझ में आना चाहिए कलिजन थियरी क्या है, कैटलिस्ट का फैक्टर क्या होगा, ये सारे पॉइंट हमें समझ में आने चाहिए। आपको पूरी चैप्टर का एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद सेंड करना होगा। ओके फाइन स्टूडेंट, आज इतना रखते हैं, बाकी सब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।